नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आयुष्मान भवन में। दोस्तों, इस लॉकडाउन में जबकि हमारा देश पूरी तरह से रुका हुआ है, हम पूरी तरह से रुके हुए हैं, इसमें कॉमन समस्या है वो पेट की समस्या है। किसी को कब्ज है, किसी को गैस है, किसी का पेट फूल रहा है, किसी को पेट दर्द है, और ये समस्या क्यों हो रही है, इसका निदान क्या है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, बहुत सारे तथ्यों पर बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पेट की समस्या से कैसे निजात पाया जाए, अगर आपको ये समस्या नहीं है तो कैसे बचा जाए। हम इस वीडियो माध्यम से बताएंगे आपको क्या खाएं, क्या पिए, कैसे रहें, कौन सा एक्टिविटी करें जो आपके पेट के लिए अच्छा हो। दोस्तों, इस लॉकडाउन में जबकि हमारा फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, हमें कंस्टिपेशन, हमें गैस, हमें एसिड यानी जो पेट दर्द या जो जलन होता है वो उसकी समस्या, या पेट की बहुत सारी समस्याएं, अन्य समस्याएं भी हैं, उसके बारे चर्चा करेंगे दोस्तों, और आपको बताएंगे कि ये आप कैसे आप इससे बच सकते हैं, अगर आपको ये समस्या है तो कैसे आप इससे निजात पा सकते हैं। दोस्तों, आपको फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, और ये अभी के लिए ही नहीं, ये हमेशा के लिए अपने रूटीन में डाल लेना चाहिए। दोस्तों, आपको 30 से 40 मिनट पर डे आपको वर्कआउट करना चाहिए, या वो तो योगा हो या आपका कोई एक्सरसाइज हो। दोस्तों, अगर आप ये एक्सरसाइज या योगा करने में सक्षम नहीं है तो कम से कम 7000 जो स्टेप्स है आपको वो चलने चाहिए, 7000 स्टेप्स पर डे चलने चाहिए, आपके फिजिकल एक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, दूसरा है कि क्या खाएं। आपको खाना जो है वो एकदम लाइट खाना चाहिए अभी के सिचुएशन में, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी आपका उस तरह से हो नहीं पा रहा है, तो आपको लाइट भोजन। और क्या खाएं ये हम आगे चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हम अब क्या खाएं इसके बारे में जाने, तो हमें जो पौष्टिक आहार के साथ साथ जो फाइबर, हाई फाइबर का जो भोजन है वो लेना चाहिए। हाई फाइबर का भोजन जो होता है वो पेट के लिए अच्छा होता है, जैसे गेहूं हो गया, ओट्स हो गया, राजमा हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, दाल हो गया, फल में सेब, नाशपाती, केला, ये सब हाई फाइबर वाले फल या जो खाद्य पदार्थ हैं जो आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों, जैसा हमने आपको बताया फ्रेंड्स कि खाना जो आप खाएं तो लाइट खाएं, लेकिन दोस्तों आप फल का सेवन आप कर सकते हैं, खास करके वैसे फ्रूट्स जो कि हाई फाइबर वाले फ्रूट्स होते हैं, खास करके केला, एप्पल, नाशपाती, ये सब आपके लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों, अगर पीने की बात हो, क्या पिए, तो अभी गर्मी का समय है, इस समय में या नींबू पानी का सेवन आप कर सकते हैं। सुबह सुबह जब आप सुबह उठते हैं तो गर्म पानी के साथ नींबू का सेवन करने से आपका कब्ज दूर हो जाता है दोस्तों। और पीने की बात अगर आए तो वाइन का तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। आप वाइन के बदले चाय पी सकते हैं 2 से 3 कप दोस्तों। ये अगर आप अपनाएंगे तो आपका पेट हमेशा ठीक रहेगा। और दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स के जरिए बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए।